इतिहास प्रतिष्ठा और सब्सिडियरी के छात्र छात्राओं, आज मैं आप सभी को मुगल काल के प्रारंभिक गतिविधियों या आरंभिक मुगल काल के संदर्भ में तुर्क अफगान काल के समाप्ति के उपरांत जिस मुगल बादशाह का भारत में प्रथम विजय अभियान होता है और भारत में मुगलों की सत्ता की स्थापना की जाती है, जिसके प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर और भारत के बादशाह के रूप में 200 से अधिक वर्षों तक रही। हम उस लेड द पर्शियन और लेड द फर्स्ट स्टोन फॉर द फाउंडेशन ऑफ देयर एम्पायर, दैट पर्सन विल बी नोन एज द पर्सन इज नोन एज, वो पर्सन वह व्यक्ति जाना जाता है बाबर के नाम से, मुगल बादशाह। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मोहम्मद
बाबर। बाबर चुके इसके पिता उमर से मिर्जा फरगना के शासक थे और उस समय समरकंद, बुखारा, कंधार, काबल, ईरान के क्षेत्र और ट्रांस ऑक्सियाना के उत्तर का क्षेत्र जो तुर्की रूस का जो अभी एक प्रांत है तुर्की उसका क्षेत्र ये सब सभी इन्हीं सब के वंशज परिवार रिश्तेदारों के आधिपत्य में थे। बाबर को समरकंद और वहां की मिट्टी वहां की जलवायु बहुत अच्छी लगती थी लेकिन दुर्भाग्य से उमर शेख मिर्जा जब समरकंद की ओर विजय के लिए बढ़ा तो उस क्रम में उसकी मृत्यु हो गई और बाबर बाबर 11 वर्ष 4 महीने की 11 वर्ष 4 महीने की उम्र में फरगना का शासक बना, राज सिंहासन प्राप्त किया। इसकी प्रारंभिक शिक्षा 11 वर्षों तक इतनी अच्छी रही थी कि इसको तुर्की भाषा पर बाबर को कमांड था, फारसी भाषा पर कमांड था, चित्रकारी में और उस कला में उन चित्रों से उसके व्यक्तित्व को वह समझ लेता था कि इसके पिता के मित्र या इसके परिवार के लोग या इसके जो परिवार के संबंधी जो उसके दुश्मन हैं, चचा हैं, चाचा हैं या शाले हैं या जो मामा हैं, वो किस व्यक्तित्व से आते हैं और हमारे लिए यानी इस फरगना के शासन के लिए समरकंद की विजय के लिए काबुल अभियान के लिए वो क्या कर सकते हैं। 1502 में 14 समझ लीजिए कि 1493 मतलब 1496 में यह 11 वर्ष 4 महीने की उम्र में फरगना का शासक बना। चूंकि इसे समरकंद या चक्रही तुर्क भी था, इसे हम कभी कभी चतगई तुर्क तुर्क भी कहते हैं। उमर शेख मिर्जा को चतगई तुर्क चूंकि तुर्क के पांचवें वंशज के रूप में हमने बाबर को यहाँ चिन्हित किया है, उमर शेख मिर्जा भी चतगई तुर्क था। इन सब के बावजूद चूंकि उमर शेख मिर्जा भी काफी असंतुष्ट व्यक्ति था, उसे सत्ता और उसका भौगोलिक क्षेत्र बढ़ाने की उसकी इच्छा थी, तो बाबर में भी वही रक्त बह रहा था, वही संस्कार बह रहा था, लेकिन इसके पास पिता से भी अधिक वह शक्ति थी कि वह व्यक्तित्व का पहचान करे, भाषा और तुर्की भाषा या फारसी भाषा पर या अपना नियंत्रण रखे। ये बाबर के विशिष्ट गुण थे जो हम बाद में उसके द्वारा लिखित आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं उसने इन बातों का जिक्र भी किया है। समरकंद इतना उसको प्यारा था कि वो दो बार उस पर आक्रमण किया जब वह राज सिंहासन पर बैठा और दोनों बार, पहली बार वह 100 दिन का शासक रहा, दूसरी बार 8 महीने का शासक रहा और फिर एक बार और समरकंद को हस्तगत किया 1519 के पहले जब वह भारत अभियान की ओर चला था
तो उसके वाले। लेकिन कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई कि उसे काबुल की तरफ आना पड़ा और फिर वह 1504 में काबुल का बादशाह बनता है। ये 94 होना चाहिए, 94 होना चाहिए और 1504 में काबुल का बादशाह होता है। आक्रमणों का, युद्धों का, बैटल का इतना सिलसिला जारी है कि लगातार 1500, 1194 में धरती पर बैठने के बाद से लेके 1526 तक, 1526 तक जब तक कि पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं लड़ता है, वह अफगान शासक, भारतीय अफगान शासक और भारत का सुल्तान इब्राहिम लोदी से, तब तक एक युद्धों का लंबा सिलसिला और उसका अनुभव उसे मालूम है। उस समय उसके उसने चाहे वह कबीलाई सेना हो, चाहे वह राजकीय सेना हो, चाहे वह क्षेत्रीय सेना हो, चाहे वह खुद के संगठित किए हुए सैन्य अनुभव को वह अपने व्यक्तित्व में और अपने क्षेत्राधिकार में उसको अभिषिक्त करता है, अपने में लेता है। जैसे आपको उज़्बेक ईरानी तुर्क आदि आदि से उज़्बेक से उसने तुगलकामा पद्धति याद की। तुगलकामा उज़्बेक से तुगलकामा पद्धति उज़्बेक से तुगलकामा पद्धति। अब यह युद्ध की पद्धति क्या है कि बाएं ओर से सेना, दाहिने ओर से सेना या तो छी शस्त्रागार और पीछे से सेना का खड़े रहना, आगे से आक्रमण शस्त्रों के द्वारा, आगे से आक्रमण तोपों के द्वारा और उस ताकि वह शत्रु को अंदर आने दे और उस पर वार करे। उसी तरह से तुर्कों से इसने तोपची और दो महत्वपूर्ण तोपची का जिक्र आता है। एक तोपची है उस्ताद अली और एक बाद में उसको मुस्तफा मिलता है, तोपची उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफा। ये इसको युद्ध कौशल में वो आजमाता है और ईरानियों से विस्फोटक सामग्री एवं उसका उपयोग। अब आप देखिए उज़्बेक से तुगलकामा पद्धति कैसे युद्ध के कौशल में उसकी प्रवीणता के लिए इस पद्धति का तोप खाने का निर्माण तुर्कों से और तोप की फैक्ट्री, तोपों का प्रयोग उसमें उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे जो दो तोपची मिलते हैं, और तीसरा ईरानियों से विस्फोटक सामग्री या शस्त्र के लिए, ये शस्त्र के लिए, आर्म्स के लिए और एवं उसका उपयोग यह करता है। तो लगातार युद्धों से उसका जो अनुभव है वह परिपक्व होता जाता है, वह एक कुशल सैन्य संगठन है। यह प्रश्न भी पूछता है या इस प्रश्न पर टिप्पणी करने के लिए पूछता है कि बाबर
मुगल साम्राज्य का निर्माता है इसकी व्याख्या करें, या बाबर एक सेनानी था, कुशल प्रशासनिक संगठन करता नहीं था, इस पर आप समीक्षा करें, या बाबर की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, तो लेट द फर्स्ट स्टोन ऑफ फाउंडेशन इन इंडिया ऑफ मुगल एम्पायर, यह पहला पत्थर यही रखता है। और 1526 में 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का युद्ध आता है, तो उस समय भारत की स्थितियों के बारे में भी हम दो चार लाइन आपको बतलाना चाहेंगे। ये सभी बातों की का जिक्र हमने इसलिए किया कि उसके जीवन काल के प्रारंभिक जो अनुभव है सैनिक संगठन के, प्रशासक के, ये अपने को काबुल का बादशाह 1507 में उसने मिर्जा, चूंकि इसके पिता का नाम से मिर्जा था, मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया, तो त्याग कर बादशाह घोषित करना या बादशाह बना, और उसके बाद हुआ काबुल का बादशाह, कंधार का बादशाह, जहां उसने हस्तक्षेप किया, विजय किया, बना। और 1500 पानीपत के युद्ध के पूर्व भारत की स्थिति, अब देखिए पानीपत युद्ध के पूर्व भारत की स्थिति, ऐसा मान कहा जाता है इतिहासकारों का, चाहे आर विलियम्स हो, चाहे उसकी आत्मकथा, आत्मकथा बाबर की है, बाबरनामा, और या आर विलियम्स जो है वो उसके प्रशंसक इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, ये दोनों लिखते हैं, ये इस दोनों से जो हमें सामग्री प्राप्त होती है उसमें पानीपत के युद्ध के पूर्व भारत की स्थिति क्या है, कि दिल्ली का सुल्तान है इब्राहिम लोधी, और इसके विरोधी हैं पंजाब में दौलत खान लोधी, ये इसके विरोधी हैं, ये दोनों में इस तरह का मतलब सत्ता है। यहाँ मेवाड़ में या चित्तौड़ में राणा सांगा, ये सभी इसके विरोधी हैं, सभी इब्राहिम लोधी के विरोधी हैं, और इब्राहिम लोधी के विरोधी होने के कारण ऐसा माना जाता है कि पंजाब का दौलत खान लोधी और चित्तौड़ का राणा सांगा इसे निमंत्रण देता है भारत आने के लिए, कि आप भारत आइए और भारत आकर आप आक्रमण कीजिए, इस इब्राहिम लोधी को पराजित कीजिए, भारत का बादशाह बनिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि वह अपनी दादी से बाबर ऐसा सुनता था कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत में जो तुर्क लोग आए और तुर्क अफगान काल जो रहा वो, और इब्राहिम लोधी का काल अफगान का ही काल है, तो इन्होंने भारत में आने का आज की जो कहानियां या भारत की स्थितियों, भौगोलिक स्थितियों, आर्थिक स्थितियों, आर्थिक संपन्नता की जो कहानियां वह सुना करता था, उसकी भी इच्छा थी, इसका वर्णन भी वो अपनी आत्मकथा बाबरनामा में करता है कि हम भारत पर आक्रमण करें, और यह मौका उसको पंजाब, मेवाड़, बंगाल, अवध सबके शासक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसको देते हैं न्योता, और उसको वह स्वीकार करता है। फिर भारत कैसे आता है इस पर हम
आपको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि भारत का अभियान उसका कैसे रहता है 1519 से 1526 के बीच, और तब हम पानीपत के युद्ध की स्थिति और उसमें उसके विजय की जानकारी देंगे। धन्यवाद।